नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है इंडिया मिडडे खबरों का। सबसे पहले खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डीरेल हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मालगाड़ी की दो बोगियां पटरी से उतर गई है, दिल्ली जा रही थी ये मालगाड़ी। रेलवे के अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रेलवे के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं, जीआरपी पुलिस भी उनके साथ मौजूद है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि दरअसल मालगाड़ी के डीरेल होने की खबर मिली, दो बोगियां जो कि पटरी से उतर गई है, सहारनपुर का ये पूरा मामला। लेकिन ये पटरियों से डीरेल कैसे हुई है मालगाड़ी, फिलहाल इसके बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की जा सकी है कि डीरेल होने के पीछे का कारण क्या है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये स्थिति तस्वीरें हैं सहारनपुर से जो सामने आ रही हैं। दरअसल सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी डीरेल हो गई है और ये बताया जा रहा है कि इस मालगाड़ी के दो बोगियां पटरी से उतर गई। हालांकि कारण क्या रहा है, इस कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है, पता लगाने की कोशिश जारी है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि सहारनपुर में रेल डीरेल होने की खबर सामने आई है और दो बोगियां पटरी से उतरी हैं। तो दिल्ली जा रही थी ये मालगाड़ी, रेलवे के अधिकारी मौके पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, मौके पर ये अधिकारी मौजूद है और पता लगाने की कोशिश अभी भी जारी है कि आखिर डीरेल कैसे हुई है ये मालगाड़ी, क्या कोई तकनीकी खराबी थी, क्या पटरियां पहले से खराब थी या किसी की साजिश थी, क्योंकि फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कई रेलवे विभाग को कई लोग नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं षड्यंत्र के तहत, जहां कई जगहों पर साजिशें रची जा रही है रेलवे विभाग को नुकसान पहुंचाने की, ट्रेन को डीरेल करने की। ऐसे में अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर जो मालगाड़ी की दो बोगियां डीरेल हुई हैं ये किन कारणों की वजह से हुई हैं, क्या कोई तकनीकी खराबी थी, पटरी में कोई खराबी थी या फिर किसी प्रकार की कोई साजिश रची गई थी। तो अब तक इस मामले को लेकर के डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको मौके से दिखा रहे हैं जहां जीआरपी पुलिस और रेलवे विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, मुआयना किया जा रहा है और साथ ही समझने की इस वक्त अब स्थिति को कोशिश की जा रही है कि ये स्थिति आखिर बनी क्यों,